नमस्कार, आप देख रहे हैं YIS न्यूज। रामपुर में दयावती मोदी एकेडमी की छात्रा अनन्या टंडन ने CBSE की 12वीं की परीक्षा में स्कूल किया टॉप। अनन्या ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता व स्कूल के प्रिंसिपल व अध्यापकों को दिया। भविष्य में CA बनना अनन्या का सपना है। सभी छात्राओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का किया इजहार। स्कूल की अध्यापक व प्रिंसिपल ने मिठाई खिलाकर दी शुभकामनाएं। अनन्या टंडन, स्कूल में दयावती मोदी एकेडमी में फर्स्ट है। क्या उम्मीदें हैं आपकी थी कि आज जो रिजल्ट है, किस तरह से पढ़ाई को लेके आप जो मेहनत कर रही थी, क्या रिस्पॉन्स पूरा अच्छा मिला? रिस्पॉन्स तो बहुत अच्छा मिला है, मेहनत भी बहुत करी थी, सब ने ही करी थी, साथ में पेरेंट्स ने भी करी थी, टीचर्स ने भी करी थी, एंड फाइनली अब रिजल्ट आ गया है। सबसे ज़्यादा श्रेय को किसको जाता है? पेरेंट्स को जाता है, घर पर जाता है, टीचर्स को जाता है। कितनी मेहनत करी थी आपने? मेहनत तो सभी करते हैं, मेहनत तो बहुत करी थी। क्या है मैं आपका आगे बढ़ने के लिए? अब मुझे CA बनना है, CA करना है जी। डॉक्टर सुमन तोमर मैम, आज जो 12th का रिजल्ट आया और आपके बच्चों को हम देख रहे हैं, बहुत खुशी कर रहा है, क्या कहना चाहेंगे? किस तरह से खुशी पाने के लिए लोगों ने इंतजार किया? बच्चों की कड़ी मेहनत थी, टीचर्स की कड़ी मेहनत थी, पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट था बच्चों को। कोविड कंडीशंस में खास करके इतना बड़ा अच्छा रिजल्ट आना एक बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि बच्चों ने कभी ऑनलाइन अटेंड किया, कभी ऑफलाइन अटेंड किया। इस साल परिस्थितियां सामान्य तो नहीं थी, फिर भी इतना अच्छा अचीवमेंट बच्चों का, स्कूल के लिए भी, बच्चों के लिए भी, उनके पेरेंट्स के लिए भी फ़ख्र का विषय है। और सबकी टीम वर्क ने काम किया, आगे भी उम्मीद है कि 10th का भी आज ही रिजल्ट आ रहा है, इससे भी अच्छा है, इतना अच्छा है जिले का नाम। मैम, जो बच्चे फेल हो जाते हैं उनके लिए क्या संदेश है, किस तरह से? वो हिम्मत ना हारें, दोबारा तैयारी करें। जिन सब्जेक्ट्स में कमज़ोर थे उन्हें फिर से फॉर्म भरें और कोशिश करें। वो तो हमें बार बार सिखाया ही जाता है कि एक चींटी भी दीवार पर अगर फिसलती है तो बार बार चढ़ने की कोशिश करती है, तो ये तो बच्चे हैं और ये तो ज़िंदगी की परिस्थितियों से, जैसे हम कोविड से जूझे फिर आज देखिए जीते हैं, वैसे ही ये तो सिर्फ मार्क्स हैं। बच्चे किसी और दिशा में अच्छे होंगे, ज़रूरी नहीं कि सब बच्चे शैक्षिक रूप से अच्छे होते हैं। कुछ बच्चे स्पोर्ट्स में अच्छे होते हैं, कुछ बच्चे स्कॉलिस्टिक में अच्छे होते हैं, तो उसमें ये सिर्फ एक एरिया है जिसमें वो कमज़ोर है, बाकी एरिया में हो सकता है मजबूत हो, वो भी दोबारा कोशिश करें। मैम, जैसे आज 12th में जो देंगे कि पूरे देश का नाम रोशन करें, जहाँ जाएं एक बहुत अच्छे सिटीज़न के रूप में बिहेव करें, ताकि उनके लोग उनसे पूछें कि वो कहाँ से आए हैं, किस स्कूल में पढ़े हैं, उनकी अच्छी अपब्रिंगिंग तमाम उम्र याद रखें और ऐसे ही देश का नाम रोशन करते रहें, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करते रहें। और ये सिर्फ एक पड़ाव है ज़िंदगी के अचीवमेंट का, हर रोज़ ज़िंदगी एक इम्तिहान है और हर इम्तिहान को उन्हें जीतना है।